संजय दत्त की फिल्म जिला गाजियाबाद इन दिनों हर किसी के जुबां पर है। फिल्म को रिलीज होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसलिए इस फिल्म के प्रमोशन शुरू हो गए हैं जोरों शोरों पर। हाल ही में हुआ इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च, जहां फिल्म की कास्ट एंड क्रू मौजूद थे। देखिए ये लोग कितनी मस्ती कर रहे थे। जो बन पे रंग का चाकच चढ़ा है, अरे जो बन पे रंग का चाकच चढ़ा है, जिसको भी देखो साला पीछे पड़ा है। गाजियाबाद की रानी हूँ मैं, गाजियाबाद की रानी हूँ, मेरा यार यहाँ का कोतवाल अपने बाप का। जिला गाजियाबाद में अरशद वारसी एक इम्पोर्टेंट और हटके रोल प्ले कर रहे हैं। हटके इसलिए क्योंकि अरशद अपने लीक से हटकर एक नेगेटिव शेड प्ले करेंगे। जब हमने अरशद से उनके कैरेक्टर के बारे में पूछा तो उनका जवाब काफी स्ट्रेट था। I'm playing a bad guy in the film. The first time I'm doing this. Sanju has done this in many. Sanju has done all the roles. So this is the first time I'm trying my luck at a bad guy's role, which is a lot of fun actually. I enjoyed myself. I'm playing this villain. So I have nothing more to say to that. He's the bad guy. And that's the end of the story. Nothing more to that. He's just a bad guy. इस फिल्म की एक और खास बात है कि इस फिल्म में फिर आपको दिखेगी मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी, लेकिन इस बार आमने सामने। जी हाँ, इस फिल्म में है संजय दत्त जो प्ले कर रहे हैं एक कॉप। अब संजू बाबा तो इस इवेंट में बात करने के मूड में नहीं दिखे, लेकिन अरशद के पास उनके तारीफों के पुल थे। क्या होता है अक्सर आप जब किसी एक्टर के साथ काम करते हो तो सबसे ज्यादा कम्फर्ट लेवल आपका तब होता है जब कोई एक्टर बहुत ही सिक्योर होता है, और संजू बहुत सिक्योर है। आप संजू के सामने कुछ भी करें उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत सिक्योर एक्टर है। वो आपको वो फ्रीडम दे देता है कि आपको जो करना है करो, ये करो वो करो, एंड दैट्स अ प्रिविलेज दैट वेरी फ्यू एक्टर्स गेट एक्टिंग विद समवन लाइक संजू। सो आई हैव द प्रिविलेज एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ना कोरट ना कचेरी, डायरेक्ट सजा। ये कमीनापन मेरे सिवा कौन करेगा।